हल्द्वानी हिंसा का एक ऐसा चश्मदीद जिसकी बातें सुनकर आप भी डर जाएंगे, आप भी सहम जाएंगे कि आखिर घटनाक्रम कितना भयंकर रहा। मेरे साथ मौजूद हैं एक चश्मदीद और एक पत्रकार जिन्होंने उस खबर को करने के लिए वहां पहुंचे थे। आइए जानते हैं उन्हीं से। सर, सबसे पहले क्या देखा, कैसे पहुंचे, दर्शकों को बताइए। सूचना मिली मुझे भी कि एक कार्रवाई होनी है। कुछ ढांचा था जिसको मस्जिद कहा जा रहा था, ढांचे को डिमोलिश मतलब गिराने का वो था। प्रशासन की पहले से कार्रवाई चली रही थी उसमें, तो मैं फोर्स प्रशासन पहुंचे, हम भी पहुंचे। तो प्रशासन वहां पहुंचा तो विरोध, पहले महिलाएं बच्चे आगे थे, उन्होंने विरोध कहा कि हम नहीं तोड़ने देंगे, नहीं नहीं। कुछ नेता भी थे उसमें, स्थानीय लोग भी थे, पार्षद भी थे, गलत कर रहे हो मत करो करके। लेकिन वो प्रशासन को तोड़ना ही था, ऊपर से पता नहीं क्या आदेश आए उनका जो भी रहा। तो उसमें फिर धीरे धीरे पत्थर शुरू हो गए वहां से। पुलिस ने बड़ी मुश्किल से पत्थर, उस टाइम के जो अटेंडेंट उस टाइम शुरू हो गए उनको रोका। फिर वो बढ़ गए वहां गाड़ियां वाड़ियां लेके, जेसीबी वगैरह लेके ढांचा तोड़ने में लग गए। तब तक पत्थरबाजी होती रही, पुलिस भी अपना मोर्चा संभाल करके अपने आंसू गैस के फायर और ये वो सब चलाए। तो जैसे थोड़ा बहुत उन्होंने तोड़ा था, फिर आकर के उतनी देर में फिर पता नहीं क्या हुआ, अचानक उधर से भीड़ वापस आई। मैंने दूसरा कोना पकड़ लिया जहां से निकलने का था, वहां पर भी आगजनी कर रखी थी लोगों ने, उन्हीं लोगों ने मतलब घेराबंदी कर दी थी। मतलब ये पर्टिकुलर एरिया से वहां से निकलने के जितने रास्ते थे सब जगह आगजनी हो रखी थी, आग लगा दी थी कि यहां से बाहर न जाए और यही मारेंगे इनको, जो भी था उनकी मंशा। अब भीड़ आक्रोश में क्या करते ना करते। सबसे भयानक तस्वीर कौन सी थी, सबसे भयानक पूरे मामले? भयानक तस्वीर ये देखी, पुलिस भाग रही थी और जो पीछे से पत्थर आ रहे थे, गाड़ियां जो गाड़ियों के अंदर थे उनको गाड़ियां रोक करके निकाल के मार रहे थे, ड्राइवरों को मार, जो ड्राइवर मतलब सरकारी वाहन थे सब उनके ड्राइवरों को पीटा, निकाल निकाल करके जो उनके अंदर बच के निकलना चाह रहे थे उनको निकाल के बाहर मारा, नीचे मारा, पुलिस महिला पुलिस कांस्टेबल मतलब बहुत बर्बरता से मारा जी, बहुत ही बुरी तरीके से, पथराव इतना जबरदस्त पथराव। हालांकि हल्द्वानी में एक आध बार पहले भी हुआ, लेकिन इतना जबरदस्त आक्रोश और वो भी इतने कंजेस्टेड एरिया में, आदमी को तो बचने का मौका ही नहीं। अच्छा, भी कितना आपको लंबा समय हो गया पत्रकारिता में, और मैं देख रहा हूँ सर पे भी गंभीर चोट है, हाथ में भी है, क्या है ये घटनाक्रम बताइए, थोड़ा सा शेयर कीजिए। घटनाक्रम यही था कि नगर निगम अपना जो इनकी लैंड है वो अपने एक्वायर कर रही थी, जहां जहां इनके कब्जे लोग कब्जे में बैठ गए थे, इनके नगर निगम की जो नजूल भूमि होती है उसी को डिमोलिश, वहां पे जो भी कब्जे अपने छुड़ाने जा रही थी, पहले से प्रक्रिया चली रही थी, उसी को लेकर के कुछ आदेश आदेश हुए थे तो वही तोड़ने का चल रहा था कार्रवाई। इसके बारे में बताइए, सर में और हाथ में आपको ऐसे गंभीर चोट, भागते हुए लगी, कैसे लगी? मैंने बहुत घेर के मारा, उन्होंने घेर के मारा, मैं थे अमर उजाला के राजेंद्र सिंह बबली थे, हम दो भी उसी भीड़ के संग हम भाग रहे थे। तो देखा कि हमारे ठीक पीछे पथराव हो रहा था और एक सामने से गली क्रॉस हो रही, वहां से भी लगातार पत्थरबाजी हो रही थी। तो हमारे पास छुपने के लिए कुछ ऐसा नहीं, क्योंकि वाहन आगे आगे चल रहे थे, वाहन नहीं गाड़ रहे, वहां इधर दीवार हो गई, इधर वाहन हो गए, वाहन के बीच से वहां पुलिस वाले गिरे पड़े थे एक के ऊपर एक, हमारा अब उनके ऊपर चढ़ के निकलना बड़ा वो हो जाता। तो हम एक छोटी सी गली थी उसके अंदर छुप गए, साइड में छुपे। तो जैसे ही वो वहां से वो वाहन आगे निकले तो इधर का भी मुआवजा आ गया, उधर का भी आ गया। उन्होंने देखा गरीब मेरे संग दो पुलिस वाले, एक वो और मैं, चार लोग थे हम, और उन्होंने जम गए पहले पत्थर बजाया, तो हेलमेट था तो बचे रहे तब तक। उसके बाद फिर वो खुद अंदर आए, हाथ वहां से खींच के हमको बाहर निकाला, हेलमेट उतारा, फिर गर्म टोपी पहनी थी मैंने उसको निकाला। उसके बाद सर पे उन्हें भर मतलब जो हाथ में आया, लाठी डंडे तलवार क्या क्या। तो आपने उनसे रिक्वेस्ट नहीं किया? छोड़ रिक्वेस्ट करी हमने, कहा हाँ हमने यही कहा, हमने पत्रकार है, हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है, हम अपना काम करने आए थे, हमें जाने दो। यानी नहीं, तुम्हें कैसे जाने दो, तुम ही तो लेकर आए हो, हमारे ऊपर ही ब्लेम करके उन्होंने खूब जम के वार वार किया। तो छोड़ा कैसे आप? छोड़ा मरा बस, छोड़ गया एक जगह से, तो एक ने मुझे निकाला, सब इधर उधर भागे, किसी ने हाथ पकड़ा, जैसे मैं बहुत ज्यादा ब्लीडिंग हो रही थी तो किसी ने कहा मर जाएगा इसको, किसी ने उसी भीड़ में हाथ खींच के अलग करा,
उसने थोड़ा सा आगे आगे मेरी गाड़ी तक पहुंचाया, वहां गाड़ी के सब तेले निकाल दिया था, पाइप वाइप के सब गाड़ी में काट रखे थे, आग लगाने की तैयारी थी वहां भी। तो मैं अपनी गाड़ी में पहुंचा, मैंने कहा यार मैं यहाँ से निकल जाता हूँ पीछे पीछे के रास्ते, मैंने कहा हो सकता है नीचे की भीड़ ऊपर ही थी, मैंने नीचे के रास्ते। तो मैं जैसे ही गाड़ी में बैठा तो एक ने मेरा कैमरे का बैग छीना, बैग निकाला उसने, कहना नहीं बैग देखे, मैंने कहा तुम चुप रख लो बैग रहने मेरी रुचि है, कह रहा नहीं ये पूरा दो। उसने वहां वो छीना, जैसी गाड़ी स्टार्ट करके आगे गया, आगे और लाठी डंडे से गाड़ी में मारने लगे, चलती गाड़ी में मारा पीटा, उसके बाद फिर रोक लिया, फिर पेट्रोल पाइप कटा था, गाड़ी जितनी दूर जा पाई गई, फिर वहां घेर के फिर मारा उन्होंने, फिर मारा, फिर वो तलवार अलवार वही इसके लगे थे साइड में, मतलब पूरा फोड़ा, यानी रहम की कोई गुंजाइश नहीं थी। जब मैंने आगे अब गया, मुझे दिख कुछ नहीं रहा था, मुझे ऐसा लग रहा था सर में, मतलब आप समझ सकते हो कि इतने बड़े बड़े पत्थर सर में फोड़ रहे हैं आप, वो कोई गहरी इंजरी नहीं मिली, मेरे वही नहीं बचता नहीं मैं, वैसे बहुत ही औदे मुंह गिरी है नीचे। तो वहां भी कुछ लोग इधर उधर हुए कि यार बढ़िया लग रहा है, दो लोग पता नहीं कहां से उन्होंने पकड़ा हाथ और खींच के ऐसे ले गए मुझे आगे को, आगे आकर के हल्का से मेरे को कहा कि यार मैं कहा हूँ, कोई खींच रहा हूँ, मैंने कहा ले आगे और आग फाग में कहीं दो दो नहीं फेंक ले आ रहे, उठा दो, उन्होंने जल्दी कहा उठो उठो भागो 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 भागो, कम से कम मुझे आधे किलोमीटर वो ऐसे दौड़ाते हुए ले गए, गली गली पतली पतली गली हैं, वो दौड़ाते हुए ले गए। फिर एक कोई मोटरसाइकिल वाले रोका उन्होंने, यार उनको हॉस्पिटल पहुँचा दो, तो मैंने कहा सुशीला तिवारी है वहाँ पहुँचा दो मुझे, तो मैंने हम अब मुझे तब भी भरोसा रहता है मुझे बचाएंगे क्या करेंगे। फिर वो मुझे किसी हॉस्पिटल ले गए, वही स्वास्थ्य केंद्र छोटा सा कोई प्राइवेट हॉस्पिटल, वहाँ जाके उन्होंने मेरी ड्रेसिंग व्रेसिंग करी। क्या लगता है क्या होना चाहिए ऐसे लोगों के लिए और उनकी मंशा क्या रही? किसी ने इसने भड़काया होगा, क्योंकि जितने थे सब आप ये ला लो 14 साल से 19-20 साल तक के बच्चे ही देखे मैंने वहाँ, कोई भी वहाँ दाढ़ी वाला टाइप का नहीं दिखा, जो एजेड हो बुजुर्ग हो इस टाइप का कोई नहीं था, सब टीनेजर थे या फिर 21-22 साल के लड़के थे, सब पर कोई नहीं दिखा, उस पर आधे से ज्यादा मेरे यहाँ से गोला वगैरह सब काम करने वाले ही हैं, पढ़ने लिखने वाले तो कम ही दिख रहे थे। वो क्या कहेंगे क्या सजा मिलनी चाहिए? सजा क्या ऐसा नहीं होना चाहिए, पहली बार हल्द्वानी शहर की ऐसी फिजा खराब हुई, मैं तो कानपुर रहा लखनऊ रहा कई जगह, वह जब ये बाबरी मस्जिद रहा तो हम खुद मैं खुद कान पापा मेरे ऑर्डिनेंस होते थे कानपुर ही रहते थे, उस बीच आवाजें सुनते थे रात भर शंख घंटी बजना ये वो हो अल्लाह, लेकिन डिफेंस कॉलोनी में रहते थे तो वहाँ थोड़ी सिक्योरिटी थी, तो कभी देखा नहीं ऐसा मंजर जो कल परसों देखने को मिला यहाँ, हुआ तो गंदा ही नहीं होना चाहिए कुल मिला के। ठीक है, तो ये थे चश्मदीद वो पत्रकार जिन्होंने आप बीती अपनी पूरी कहानी हम सबके साथ शेयर की और बताया कि ऐसी घटनाक्रम जीवन में फिर दोबारा किसी के साथ ना हो। अभिषेक सिन्हा, टाइम्स नाउ भारत, हल्द्वानी। फॉर मोर ऑफ सच वीडियोस डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू ईटी नाउ स्वदेश।